बोलो तुम बोलो बोलो भाई बीस की दे रहे हो बोतल लौटा दो उसकी तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो यार नहीं तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की जबरदस्त मस्जिद बनी हुई है। हेलो दोस्तों वेलकम बैक अगेन इन अनदर ट्रेन जर्नी। मैं हूं अभी ट्रेन नंबर 14320 यानी कि 14320 बरेली इंदौर एक्सप्रेस में और आज की यात्रा बरेली से उज्जैन तक रहने वाली है लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे टिकट कंफर्म नहीं हुए तो वेटिंग में ट्रेवल कर रहा हूं। टीटी से बात की बट कोई सीट भी अवेलेबल नहीं है तो बरेली से लेकर उज्जैन तक जो कि 20 घंटे का सफ़र है 1000 किलोमीटर वेटिंग में ट्रैवल करने वाला हूँ। डिपार्चर मिल चुका है, एक्चुअली मैं लेट हो गया था तो मैं यहाँ ट्रेन से ही आपको डिपार्चर दिखा रहा हूँ। लेट होने की वजह से मैं जंक्शन आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि ट्रेन का जो डिपार्चर हुआ है एग्जैक्ट ऑन टाइम पे हुआ है, 11:25 डिपार्चर टाइम है और उसी टाइम पे इसका डिपार्चर हुआ है। सुबह 6:50 पर हम उज्जैन पहुंचेंगे यानी कि 20 घंटे की रास्ता है अप्रॉक्सीमेटली क्योंकि 11:25 सुबह डिपार्चर हुआ है और सुबह 7 बजे हम पहुँच जाएंगे। अगर लेट नहीं होते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी है, बने रहिएगा। एक तो टिकट कन्फर्म नहीं हुए हैं तो और इंटरेस्टिंग बरेली जंक्शन देख सकते हैं, बोर्ड लगा हुआ है। अगले दिन पहुंचेंगे सुबह 7 बजे उज्जैन। बरेली से सुबह 11:25 का डिपार्चर है इसका यानी कि 20 घंटे की अप्रॉक्सीमेटली लेती है। प्लस इसमें जो हॉल्ट्स की मैं अगर बात करूं तो रूट आप देख सकते हैं मेरे साइड में, रूट आंवला चंदौसी बहजोई अलीगढ़ आगरा कैंट आगरा फोर्ट बीरंगा लक्ष्मीबाई झांसी ग्वालियर और ये सारे हॉल्ट्स पड़ेंगे। बहुत लंबी यात्रा है, कोशिश करूँगा एक ही पार्ट में फिनिश करूँ क्योंकि टिकट कंफर्म नहीं है तो ज़्यादा मैं लंबा नहीं खींचूंगा उसको, आराम से कहीं ना कहीं देखेंगे बैठ के और एंजॉय करेंगे जर्नी और आपको भी एंजॉय करवाएंगे। फिलहाल हमारा डिपार्चर बरेली से हो रहा है। देखिए बरेली से और चंदौसी सेक्शन में आपको कई बार जर्नी दे चुका हूँ, अगर आपको जर्नी देखनी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दूँगा, आराम से देख लेना। अब यहाँ से बरेली चलने के बाद इस ट्रेन का जो हॉल्ट है वो आंवला पे है तो अब हम आपसे कोशिश ये करेंगे कि सीधे चंदौसी मिले। फिलहाल आप एंजॉय करिए बरेली का डिपार्चर। सामने आप जो ट्रैक देख रहे हैं उस पर मैंने कई बार जर्नी की हुई है, वो ट्रैक सीधे गया है रामगंगा के लिए और वहाँ से सीधे कासगंज। ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे का ट्रैक है, पूर्वोत्तर रेलवे का ट्रैक है और ये कासगंज मथुरा वाला ट्रैक है। जब भी कासगंज जाता हूँ मैं मथुरा जाता हूँ इसी ट्रैक से ट्रेन पकड़ता हूँ। फिलहाल ये जो ट्रैक है ये चंदौसी के लिए चला गया है। सामने वॉशिंग लाइन आप देख रहे हैं जहाँ पर ट्रेनों का मेंटेनेंस और ट्रैक मेंटेनेंस कोच मेंटेनेंस होता है। कुछ ट्रेन खड़ी हुई भी है आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे बरेली का वॉशिंग लाइन इसको बोल सकते हो आप। बहुत स्लो डिपार्चर है, यूजली होना भी चाहिए, जंक्शन पर काफ़ी लाइनें होती तो स्लो डिपार्चर। हालांकि इस ट्रेन में लगा है WAP7 जो कि मैं आपको दिखाना भूल गया क्योंकि मैं लेट हो गया था, ट्रेन पकड़नी थी तुरंत ऑन टाइम डिपार्चर मिल गया तो मैं आपको लोकोमोटिव दिखा नहीं पाया। आगे कभी कोशिश करूँगा कि आगे कहीं हॉल्ट पे दिखा दूँ। ये पीछे का व्यू आप देख सकते हैं, बरेली रोजा पैसेंजर थी पहले, अभी एक्सप्रेस हो गई है, उसका रैक खड़ा हुआ है। तो इतनी लंबी जर्नी में अगर टिकट कंफर्म ना हो बहुत बुरा लगता है यार, लेकिन मैं ये जर्नी इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वापसी में टिकट कंफर्म है तो ये मेरी मजबूरी थी। अगर उधर से टिकट नहीं होती तो शायद आज मैं ट्रैवल भी ना कर पाता, बहुत लंबा सफ़र है, अब भटकना होगा इधर से उधर उधर से उधर, क्योंकि टीटी से बात की उन्होंने भी मना कर दी कि कोई भी सीट नहीं है, जहाँ मना है वहाँ बैठ जाओ। ये है वॉशिंग लाइन पर लीजिए। तो दोस्तों मैं उज्जैन जा रहा हूँ बाबा महाकाल जी के दर्शन करने के लिए, बट कोई इशू नहीं है, बाबा महाकाल इतने सन से दर्शन नहीं देते, थोड़ा प्रॉब्लम तो होती है। तो अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं, किस तरीके से आप दर्शन कर सकते हो महाकाल बाबा के तो वो भी ब्लॉग में आपको दूंगा, इफ़ अगर पॉसिबल हो पाया तब। सुबह पहुँचेंगे कल, तब तक आप इस जर्नी को जरूर इंजॉय कीजिए, कल तक हमारी कैसी यात्रा रहती है। मैं एक ही पार्ट में फिनिश करूँगा जर्नी, चलिए चंदौसी मिलते हैं आपसे।
दोस्तों अभी तो फिलहाल सीटें खाली पड़ी हुई हैं, हावड़ा पहुंच रहे हैं तो हम उसी पे आगे बैठ गए। तीन लोग हम ट्रैवल कर रहे हैं, तीनों के टिकट वेटिंग लिस्ट पे गए। तो चलिए आपको एक बार टूर आ देते हैं स्लीपर कैंटी देख लीजिए। जी देखिए अभी सीटें खाली पड़ी हुई, जब तक कोई नहीं आता बैठे, कोई आएगा तो उठेंगे। देखिए वाटर वाटर होल्डर की ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है, स्टील की वाटर वाटर होल्डर चलता है ऊपर, ये साइड अपर में। ये देखिए थोड़ी सी तकिया भी रखी है, साथ में चार्जिंग सॉकेट है और साइड लोगों की तरफ भी यही है। We are approaching towards Chandausi Junction. We are approaching on the Chandausi Junction exactly on time. बिल्कुल सही समय पर हम Chandausi Junction पहुँच रहे हैं। चंदौसी पर पहुँचने का टाइम है 1:05 और 1:05 पर ही हमारा अराइवल हो रहा है, बिल्कुल लेट नहीं है। दोपहर की 1:05 पर ही अराइवल हो रहा है। एक बच्चा वहाँ से हाथ दिखा रहा था तो मैंने उसको सेव कर दिया। अच्छा इंडियन रेलवेज़ में ये मैं जब कभी भी कोई जर्नी करो आप लोग जरूर नोटिस करते हो, कुछ छोटे मोटे बच्चे ट्रेन को देखते हैं तो हाय हाय करते हैं। ये तो मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ, बच्चों को इससे खुशी मिलती है, हमें भी अपने हाथ दिखाने चाहिए। शायद एक नंबर पे या दो नंबर पे लगा जाएगा हमें। चंदौसी में गुड्स ट्रेन आकर यहाँ पे अनलोड होती है, फिर यहाँ से ट्रक में भर के जो भी सामान आता है वो जाता है, कुछ इस तरीके से आप देखिए। यहाँ पर गुड्स ट्रेन आके अनलोड होती है और फिर ट्रक में लोड होकर माल का सप्लाई किया जाता है जहाँ उसे जाना होता है। जहाँ इधर खड़ी है हल्दिया आनंद विहार टर्मिनल बापू धाम मोतिहारी एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है चंदौसी जंक्शन के। चंदौसी पे जबरदस्त रश है, यहाँ से सीट नहीं मिलेगी भाई। फाइनली चंदौसी पहुँच चुके हैं बिल्कुल ऑन टाइम पे। अगर चंदौसी की बात करें तो स्टेशन कोड है इसका CH, मुरादाबाद डिवीजन का रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर लगभग 40 ट्रेनें डेली हॉल्ट करती हैं। एक ट्रेन ओरिजिनेट और एक ट्रेन टर्मिनेट डेली होती है। यहाँ से एक ट्रैक चला गया, अच्छा चंदौसी जंक्शन क्यों है, यहाँ से एक ट्रैक चला गया अलीगढ़ के लिए और एक ट्रैक चला गया मुरादाबाद के लिए और एक सीधी लाइन गई जहाँ से हम आ रहे हैं बरेली के लिए, इसलिए ये जंक्शन बन जाता है। यहाँ इतना ज़बरदस्त रश है, इतना ज़बरदस्त रश है कि लगता है अब सीट नहीं मिलने वाली, क्योंकि जिस सीट पर हम बैठे थे वो फिल हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, इसीलिए शायद मेरा टिकट वेट लिस्टेड रह गया। चलिए दिखाते हैं आपको चंदौसी जंक्शन के कुछ दृश्य। देखिए जबरदस्त रश, चंदौसी के फेमस छोले भटूरे, छोले चावल मिलने लगे, ये फेमस है चंदौसी के, आइए कभी ट्राई जरूर कीजिए। फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम चंदौसी जंक्शन, चंदौसी जंक्शन से हमारा डिपार्चर। और हमें बापू धाम मोतिहारी एक्सप्रेस से पहले निकाला गया। बोलो वहाँ सारा शिरडी से पहुँच गए।
दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इस ट्रेन के बारे में, तो ये ट्रेन अपने रैक शेयर करती है बरेली LTT एक्सप्रेस के साथ, मतलब बरेली लोकमान्य तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस के साथ, जो कि शनिवार को निकलती है एग्जैक्टली 11:25 पे बरेली जंक्शन से, जो कि मुंबई जाती है। तो ये जो ट्रेन है ये रैक शेयर करती है अपना LTT बरेली LTT एक्सप्रेस के साथ। कल शाम को इस ट्रेन की वापसी होती है और शनिवार पर ही जाएगी मुंबई, सेम यही ट्रेन, इसलिए आपने देखा लिखा होगा बोर्ड पे बरेली लोकमान्य तिलक टर्मिनल बरेली इंदौर। पहले इस ट्रेन का अलग रैक था, लेकिन अब ये साथ में शेयर करते हैं। ओके, सी यू इन अलीगढ़। अब हम पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है, बार बार नीचे, अगर नीचे बर्थ होती तो आपको स्टेशन कॉल करते, लेकिन पूरी ट्रेन पैक हो चुकी है, ऊपर एक बर्थ खाली है, वहीं पर जाकर बैठेंगे। अलीगढ़ में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून, एंजॉय द जर्नी। तो दोस्तों, मैं इस तरीके से आके लेट चुका हूँ, ऊपर वाली बर्थ खाली थी, नीचे देखिए अब सब पैक है, सब भर चुके हैं, ये हमारे साथ लेट है, पूरी ट्रेन भर चुकी है और अब आपसे मुलाकात में सीधे अलीगढ़ पे करूँगा। 18 टिकट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। तो दोस्तों, 20 मिनट की देरी के साथ हम पहुंच चुके हैं अलीगढ़ जंक्शन, जिसके स्टेशन ALJN। अरे हमारा बो आ रहा है गन्ने, आज तो पड़ेगा ये गन्ना गर्म खाइए भाई। ये देखिए कंडीशन भाई, जनरल क्लास की, ओह माय गॉड। तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो यार, नहीं तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो, फोन नहीं दिखा रहे हैं आप। ये पानी की बोतल जो है 15 वाली 20 में क्यों दे रहे हो, पहले ही बताओ। ये वाली 15 वाली स्टॉल पे तो उतर कर लिया भैया, नहीं आपको बोतल दे दो, मैं अभी कंप्लेंट करूंगा। और यहाँ पे ALJN स्टेशन कोड है, 88 ट्रेन डेली होल्ड करती है 7 प्लेटफॉर्म से, और 5 ट्रेन ओरिजिनेट एवं 5 ट्रेन टर्मिनेट होती है। ये बोतल वैसे तो 15 की है, पर जो है 20 की दी यार, जबकि 15 रुपए की बोतल है। चलो कोई बात नहीं, गरीब आदमी है, 5-10 रुपए एक्स्ट्रा ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा बोलने का लहजा होना चाहिए। UPS अभी करनी पड़ेगी, बिल्कुल 2 मिनट के अंदर डिपार्चर हो गया यहाँ से। और भीड़ तो आपने देखी, जबरदस्त भीड़ थी, क्यों भैया जबरदस्त भीड़ थी, बहुत ज्यादा। तो भैया बोल रहे हैं हमारे, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। कहाँ से चढ़े हो आप भैया? अलीगढ़ चढ़े हो यार, अभी गेट पे कितनी जबरदस्त भीड़ थी यार, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। अच्छा, YouTube चैनल है मेरा, ठीक है। क्या आप आओ, ये हमारे भाई साहब हैं और ये बता रहे हैं बहुत आपको चढ़ने में कितनी दिक्कत हो गई। बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो। अच्छा, मैंने भी देखा, अभी तो बहुत भीड़ थी यार। चलो कोई बात नहीं, अब ट्रैवल तो कहाँ तक जाओगे भैया? झांसी लंबा सफर है, बहुत ज्यादा भीड़ है गेट पे। ऑरेंज कलर है उसको, क्या नाम है आपका? जगबीर। जगबीर, ठीक है।
और इधर भी पूरा पैक। आप देख रहे हैं आगरा का फोर्ट, आगरा फोर्ट देखिए काफी बड़ा बना हुआ है आगरा फोर्ट। ये है यमुना जी का रिवर, सामने किसी का मकबरा। उसकी पेंटिंग पेंटिंग होती है वाला है रेड फोर्ट ऑफ आगरा। ऐसे ही है जी। इंट्रोडक्शन तो मैं दूंगा आपको बाद में, सबसे पहले हैव अ लुक एट द ब्यूटीफुल आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। क्या ही जबरदस्त लग रहा है यहाँ पर, देख लीजिए आप। ये आगरा रेलवे स्टेशन से बिल्कुल आपको साफ साफ दिखेगा। ये हमारी खड़ी है ट्रेन और ये है ब्यूटीफुल व्यू। आगरा फोर्ट पहुँचे हैं हम समय से 20 मिनट देरी के साथ, 5:50 अराइवल था, पहुँचे हैं 6:10 पर। रेलवे स्टेशन कोड की बात करें आगरा फोर्ट के तो है AF। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है, 7 ट्रेन डेली ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और पीछे का जरा एक बार व्यू देखिए कितना जबरदस्त लग रहा है। और यहाँ पर लगभग 85 ट्रेन डेली होल्ड करती हैं, 7 ट्रेन ऑरिजिनेट 7 ट्रेन टर्मिनेट होती हैं। 20 मिनट डिले के साथ पहुँची हैं, स्ट्रगल के साथ जर्नी चल रही है। लेकिन ये जो दृश्य हैं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो 5 यहाँ पर प्लेटफॉर्म है और ये इस तरफ पीछे खड़ी है हमारी ट्रेन बरेली इंदौर एक्सप्रेस। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की जबरदस्त मस्जिद बनी हुई है ये देखिए, और यहाँ ये है आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। इसके जस्ट बगल में ये मस्जिद है, खूबसूरत लग रही है। बात करें अगर आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के तो ये नॉर्थ सेंट्रल जोन का रेलवे स्टेशन है और आगरा का पेठा बहुत ज़्यादा फेमस है। कभी भी अगर आए पेठा जरूर ट्राई करें। वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। मस्जिद है आगरा की, मस्जिद मस्जिद आगरा की भाई लोगों, ये आगरा की मस्जिद है। आगरा की मस्जिद भाई लोगों, आगरा की मस्जिद लाइन चला दिया। वो काले, वो काले
तो अंकुश काले, अंकुश काले की हाल है? पानी पी ले पानी। और हम पहुंच रहे हैं ईदगाह आगरा जंक्शन। ईदगाह आगरा जंक्शन को क्रॉस करते हुए हमारी बरेली इंदौर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ पे ट्रेन का हॉल्ट नहीं है। शाम के 6:30 बज चुके हैं, सुबह 11:30 निकले थे। ईदगाह पर माई ट्रेन का हॉल्ट तो नहीं है बट यहाँ पे रोका गया है। लेट्स वॉच कितनी देर तक यहाँ पे हम खड़े होते हैं। आपको दिख रहा होगा गाड़ी चल रही है लेकिन आगे सिग्नल रेड है, बिल्कुल रुकने को तैयार है गाड़ी और रुक भी गई है। ईदगाह आगरा जंक्शन पे हमारा हॉल्ट तो नहीं था बट इसको रोका जा रहा है। और भी ऐसी स्टेशन थी जहाँ पे इसका हॉल्ट नहीं था, इसको रोका गया था। शाम के 6:30 बज चुके हैं। अब हम आपसे आगरा फोर्ट के बाद सीधे मिलेंगे ग्वालियर पे। तब तक के लिए स्टे ट्यून इन द जर्नी। तो डिपार्टिंग कर रहे हैं आगरा से। अच्छा था सस्ती। तो यार खबर यार मोबाइल में बाय बाय आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। चलिए आप सीधे आपसे मिलते हैं ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से हमारा डिपार्चर हो चुका है और आगरा रेलवे स्टेशन बहुत ज़बरदस्त था आपने देखा ही। ग्वालियर यहाँ से बचा है 16 किलोमीटर और मैं ऊपर एक बर्फ ही उस पर आके बैठ गया हूँ। अब हम थोड़ा खाना वाना खा लें उसके बाद आपको ग्वालियर स्टेशन कवर करूँगा। और सामने वाली सीट पर खाना लगा रहे हैं भाई साहब। ये देखिए खाने की तैयारी हो रही है। लाओ भाई खाना हमें भी ले लो। शुक्रा। ये है आज का डिनर, सूखे आलू पूड़ी और एक लाल मिर्च। खाओ खाओ खाओ। आइए दोस्तों अभी इंजॉय कर लीजिए डिनर को, तो मिलते हैं इसके बाद, इसको करने के बाद। Thank you.
4 यहाँ पे प्लेटफॉर्म है और 172 ट्रेन यहाँ पे डेली होल्ड करती हैं। 16 ट्रेन ओरिजिनेट और 16 ट्रेन रिमेंट होती हैं। 8:40 अराइवल था, हम पहुँचे 8:55, लगभग 15 मिनट डिले के साथ। और दो एक और ले पानी बोतल प्लेटें और दो भैया दो बोतल डिपार्टेड नाउ फ्रॉम ग्वालियर जंक्शन। केवल 2 मिनट का हॉल्ट था। और 2 ही मिनट खड़ी हुई ट्रेन बिल्कुल। वाटर वेंडिंग मशीन ग्वालियर जंक्शन। अगर मैं बात करूं ग्वालियर जंक्शन के बारे में तो ये कनेक्ट करता है दिल्ली चेन्नई लाइन को, इंदौर ग्वालियर लाइन को और आगरा भोपाल लाइन को, इसलिए ये जंक्शन बन जाता है। और यहाँ पर केवल 2 मिनट ट्रेन खड़ी हुई, पानी की बोतल ले पाया, बस चल पड़ी। सबसे बड़ी बात क्या है, इस ट्रेन गलत बात यह है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड नहीं है। बोतल लेने के लिए भी स्टेशन पर भीड़ लग रही है, इसलिए आपने देखा पेंट्री कार्ड होना इतने लंबे रूट की ट्रेन में बहुत जरूरी है। चलिए एंजॉय करिए जर्नी। करीब यहाँ से 60 किलोमीटर दूरी पे है और हम गेट पे खड़े हुए हैं क्योंकि आपको पता है ये टिकट वेटिंग में है और अब हमने गेट जो है ये वाला बंद कर दिया है और अब हम यहाँ पे ये वाली पन्नी बिछाएंगे, आराम से यहीं बैठेंगे, रात भर यहीं काटनी है। कुछ इस जगह पर थोड़ी खा लिए और वीरेंद्र लक्ष्मीबाई स्टेशन कवर करने के बाद आपसे मुलाकात सीधे कर लूँगी। तो 60 किलोमीटर दूर है, तब तक हम ये पन्नी बिछाते हैं और बैठते हैं यहीं पर। ऊपर ये सब लोग खड़े हुए हैं और हम बैठ चुके हैं यहाँ पे। खोलो तो खोल लो। और यहाँ पर हमने तो देख सकते हैं आप, रात हमारी यहीं कटेगी, आराम से थोड़ा बहुत सो लेंगे और सुबह फिर आपसे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले 55 किलोमीटर बचा है वीरेंद्र लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन को कवर करना है और उसके बाद में कुछ इस तरीके से सोना है। वेटिंग टिकट का स्ट्रगल ऐसा ही होता है। पहले पानी पी, तो बहुत The next morning. वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी सुबह के बज रहे हैं 5, दिन सही से निकला भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इस ट्रेन का पहुँचने का टाइम जो है उज्जैन का, आपको पता है क्या है, सुबह के सात बजे यानी अभी 2 घंटे बाद उज्जैन पहुँचने का टाइम है। और यकीन मानिए राइट नाउ वी आर स्टैंडिंग एट आउटर ऑफ उज्जैन, यानी कि हम उज्जैन के आउटर पर खड़े हुए हैं, यानी समय से 2 घंटा पहले यह गाड़ी आ गई। चलिए इसके पीछे की स्टोरी बताते हैं। यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई से चलने के बाद इस गाड़ी ने जो स्पीड पकड़ी है भाई, मैंने अभी तक 2 प्रीमियम ट्रेन करी हुई है, एक तो लखनऊ सुपर फास्ट एसी ट्रेन और एक मैंने की है शताब्दी एक्सप्रेस जो कि इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है। मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ सोते समय कि ये उससे भी ज़्यादा तेज़ चल रही थी, इस वजह से ये समय से 2 घंटे पहले खड़ी हुई है। बहुत मैसिव स्पीड से चली गाड़ी, 2 घंटे पहले समय से आने का मतलब आप समझ सकते हैं। और अभी आपने आवाज़ सुनी कोयल की, अभी सुन भी रहे होंगे, ज़बरदस्त
सुबह की शुरुआत हुई है और आउटर पर खड़े हुए हैं। जैसे ही डिपार्चर होगा आपको एक बार फिर से डिपार्चर दिखाएंगे। ये देखिए कुछ पैसेंजर्स जा रहे हैं क्योंकि ये सोच रहे हैं कि एक घंटा यहाँ पे खड़े होने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये गाड़ी एक घंटा पहले आ चुकी है। आ तो गई थी पौने दो घंटे पहले, लेकिन इसको खड़े हुए आधा घंटा हो चुका है। दिन भी अब सही से निकल गया है और अभी एक घंटा और खड़ी होगी क्योंकि हम लोग समय से एक घंटा पहले आ चुके हैं। चलिए आपको कुछ सुबह की वाइब्स दिखाते हैं। ये कुछ इस तरीके का है उज्जैन शहर और ये पीछे एक ओवर ब्रिज है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। इस गाड़ी में पेंट्री कार नहीं है, बस यही इस गाड़ी के अंदर नेगेटिव थिंग है क्योंकि इतना लंबा रूट है, पेंट्री कार होना ही चाहिए। और रात मैंने कैसे बताई है, मैं आपको बता देता हूँ। रात में जहाँ मैंने बिछाया था थोड़ी देर वहाँ लेटा, फिर उसके बाद तीन सवारी उतर गई थी तो फिर मैं सीट पर आके लेट गया। हाँ ठीक ठाक रहा, ठीक ठाक तरीके से रात कट गई, अच्छी नींद आई फिलहाल यहाँ पे इस ट्रेन में। लेकिन अगर आपका लंबा सफ़र है तो टिकट कंफर्म होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि आपने देखा ही मैंने किस तरीके से ट्रैवल किया है, तो बस इसका वेट है किसी भी तरीके से एक घंटा काटे। फाइनली वी आर डिपार्टिंग नाउ फ्रॉम उज्जैन आउटर। वही लगभग एक घंटा पहले ही समय से उज्जैन आउटर से चला रहे हैं। चलिए ये सब लोग पहले ही उतर गए थे। तो हम अप्रोच कर चुके हैं उज्जैन जंक्शन पे, तो चलिए आप सब लोग मेरे साथ एक बार लगाइए नारा जय महाकाल। ये उज्जैन जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर हमारा अराइवल हो रहा है। जय महाकाल। सॉरी 4 नंबर पर हमारा अराइवल हो रहा है, 6 नंबर पर नहीं। समय से एक घंटे पहले हम आ चुके हैं उज्जैन जंक्शन पे। पूरा समय से एक घंटा पहले हमको लगाया गया है उज्जैन जंक्शन पे। कमाल ही कर दिया गाड़ी ने। सामने है प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6, बगल में 7। तो फाइनली दोस्तों हम उज्जैन पहुंच चुके हैं समय से एक घंटा पहले। कैसी लगी आपको यात्रा मेरी जनरल क्लास को वेटिंग क्लास की, क्योंकि ट्रेन में टिकट तो नहीं पाया था। तो जैसे भी की इंदौर उज्जैन चित्तौड़गढ़ मेरे पीछे से निकल रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज की जर्नी पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक और नई जर्नी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, फिर अगले ब्लॉग में आपको मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, उज्जैन में पहली बार आया हूँ, थोड़ा ये कहूँगा अगर पॉसिबल हो पाया तो महाकालेश्वर का ब्लॉग दे पाऊँगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।